और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती। सेशन में दो महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई। पहली के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकालते हैं। नरेंद्र मोदी और अदानी जी के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में मैंने कल बोला। इंटरनेशनल फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में आया है कि एक बिलियन डॉलर पैसा हिंदुस्तान से गया है, बाहर गया है और वापस आया है। नरेंद्र मोदी जी G20 करा रहे हैं और हिंदुस्तान की इज्जत का मामला है। नरेंद्र मोदी जी को कह देना चाहिए कि वो इंक्वायरी कराएंगे और अगर वो इंक्वायरी नहीं कराएंगे तो फिर पूरे देश को पता लग जाएगा कि क्यों इंक्वायरी नहीं कराई जा रही है। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। बीजेपी हिंदुस्तान के गरीब लोगों से धन छीन कर चुने हुए 2-3 लोगों को देती है। हमने प्रोग्राम्स की बात की है, एक हम कमेटी बना रहे हैं जो पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करेगी और जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए जो हमारा विजन है वो हम थोड़ी ही देर में हिंदुस्तान को आप सबको दिखाएंगे। थैंक यू।